नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 26 अगस्त 2023 के बारे में। 26 अगस्त 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, साथ ही साथ आज के इस दिन में कौन कौन से एंजल नंबर्स, अफर्मेशंस और वैदिक रेमेडीज आपको करनी है जिससे आप अपने इस दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर आज के मैसेज ऑफ द डे के बारे में, आज के दिन का महत्वपूर्ण संदेश क्या है। देखिए, आज के दिन में एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, अपने आप को जितना केपेबल फील करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज अगर आपने अपने आप को कमजोर समझ लिया तो फिर आप किसी भी चीज में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो किसी भी चीज में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को उस चीज के लिए केपेबल समझे और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को मजबूत समझेंगे तो आपकी चीजें और ज्यादा मजबूत होती जाएंगी और डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आज के बाद अपने आप को पूरी स्ट्रेंथ के साथ और पूरी केपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में क्या रहेगा गोल्डन विश टाइम। गोल्डन विश टाइम आज के दिन का जो रहेगा, सुबह सुबह का समय रहेगा 1:15 से लेकर के 11:15 से लेकर के और 1 तक का समय यहां पर काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में आप कोई भी जरूरी काम करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय में पूजा पाठ करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, भगवान की ध्यान में अपने आप को लीन करना चाहते हैं, बेशक आप कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे फायदे यहां पर देखने को मिल जाएंगे। 26 अगस्त एक बहुत ही ज्यादा अच्छे संयोगों वाला दिन यहां पर बन रहा है। आज के इस दिन में ज्येष्ठा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी यहां पर बन रहा है। शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग बनना अपने आप में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन बन जाता है। इसीलिए आज के दिन में आप सभी के पास बहुत अच्छे मौके रहेंगे जहां पर आप सभी अपने आप को पूरी तरह से संपन्न कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करके, उनकी आराधना करके आप सभी धन और वैभव से संपन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन में अचूक उपाय, वैदिक उपाय में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले वो नोट कर लीजिएगा प्लीज। आप आज के दिन में आप सभी को सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करने के बाद पूजा अर्चना जरूर करनी है और अपने दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र से जरूर करिएगा। कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर लीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिएगा कि आपकी कोई भी पैसों से रिलेटेड समस्या हो तो वो आपकी दूर हो जाए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। कोई भी काम अगर आपका अटक रहा है उस काम को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करिए और वो काम आज पूरा होते हुए जरूर नजर आएगा। आज के दिन में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान जरूर करिएगा, उनका पैर छूकर के आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और साथ ही साथ उनका अनादर बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन में छोटी कन्याओं को अगर आप भोजन करा पाए तो जरूर कराइएगा, उनका भी पैर छूकर के उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आज के दिन में अपने घर में जो भी आपने तुलसी का पौधा रखा हुआ है वहां पर एक घी का दिया, चाहे सुबह के समय में चाहे शाम के समय में, जरूर प्रज्वलित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके घर में, परिवार में सुख और शांति बनी रहे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए। आज अपने घर के मंदिर में भी एक घी का दिया प्रज्वलित करिएगा और अगर पॉसिबल हो पाए तो आप सभी अपने घर के मंदिर में लाल कलर के पुष्प या गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा माता लक्ष्मी को, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के दिन में पीने के पानी में चांदी का प्रयोग करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो चांदी की गिलास में पानी पी सकते हैं या पानी में चांदी डाल करके रख सकते हैं, इससे भी आप सभी को काफी ज्यादा शांति महसूस होगी। किसी विशेष कार्य से अगर आज आप बाहर जाते हैं तो आप सभी को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि डार्क कलर आज के दिन में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप सभी व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लाइट क्रीम कलर या लाइट येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज के दिन में अपने माथे पर कुमकुम का टीका जरूर लगाइएगा, इससे भी आप सभी को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे उपाय करके आपका आज का दिन शानदार जाएगा और आप सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के दिन में
कौन सा एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। एंजल नंबर की यहां पर बात करें तो आज का जो नंबर रहेगा 9666, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है। आज का ये नंबर माइंड को बैलेंस करेगा, कैपेबिलिटी को स्ट्रांग करेगा, पैसों के मामले में आपकी परेशानियों को दूर करेगा और खासकर कर्ज मुक्ति के लिए तो आज का ये नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि आज इस एंजल नंबर को 3 से 4 बार रिकॉल करके आप अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव समझेंगे और पॉजिटिव मानने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर आज के अफर्मेशन के बारे में। कौन सा है आज का अफर्मेशन जो आपके लिए रहेगा बेहद खास, नोट कर लीजिएगा प्लीज। आज का अफर्मेशन, आई एम केपेबल ऑफ वॉट आई एम विलिंग टू वर्क फॉर। आई एम केपेबल ऑफ वॉट आई एम विलिंग टू वर्क फॉर, ये आपको बोलना है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका मतलब समझे होंगे कि आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी तरह से केपेबल हैं। इट मीन्स कि आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी और आपका काम आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। आज अपने दिमाग में एक एम सोच लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं बहुत अच्छा फाइनेंशियली गेन करना चाहता हूं, मैं अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता हूं, मैं अपने सर से बर्डन दूर करना चाहता हूं। कोई भी जो भी काम आप करना चाहें उसे अपने मन में धारण करिए और उसके बाद आप इस अफर्मेशन को रिकॉल करिए और कम से कम 3 बार इस अफर्मेशन को जरूर रिकॉल करिएगा। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। आज अगर आपका जन्मदिन है, आपकी एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। आने वाले साल में आप सभी को कई तरह की अच्छी चीजें करने का मौका मिलेगा। कुछ मांगलिक आयोजन भी आप कर सकते हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को अपनी मदर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल आपका आने वाला साल अच्छा जाए, यही मेरी ईश्वर से कामना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस दिन की हर परेशानी को दूर करते हुए सर्वार्थ सिद्धि योग का फायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में जब सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है तो इसमें बल, बुद्धि और लक्ष्मी तीनों ही चीजें एक साथ आपको मिलती है। आपको बुद्धि मिलती है, आपको ऐश्वर्य मिलता है और आपको कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा अप करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए आज के दिन में जो ये संयोग बन रहा है, खासकर शनिवार के दिन में, आपके पास बहुत बहुत बड़ा मौका है। आज इस दिन को ऐसे व्यर्थ मत गवाइएगा। सुबह थोड़ा सा जल्दी जरूर उठ जाइएगा और उठ करके जल्दी से स्नान करके थोड़ा सा समय ही सही, बट जो मैंने उपाय बताए वो जरूर कर लीजिएगा। आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये दिन शानदार जाए और आप हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए नजर आए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।